बताई तो रिश्वत मांगकर बीजेपी ने उसकी जान ले ली। चार दिन पहले मोदी जी आए थे कर्नाटक, बेलगांव गए पर संतोष पाटिल के घर नहीं गए। आज हम पूछते हैं, जो पार्टी वो कहते हैं एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी डायन है जिन्होंने अपने ही कार्यकर्ता संतोष पाटिल को दस लिया, ये कर्नाटक को कहा छोड़ने वाले। 40% कमीशन की बात अगर पूछनी है तो तुमकुर जाकर राजेंद्र कॉन्ट्रैक्टर जिसने आत्महत्या कर ली उनके परिवार से पूछिए, जिन्होंने परिवार का अकेला सदस्य खो दिया। 40% भाजपा के कमीशन की बात अगर जाननी है तो बेंगलोर के टीएन प्रसाद कॉन्ट्रैक्टर के घर जाइए, उनसे पूछिए जिसने कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर अपनी जान ले ली, क्योंकि 90 लाख रुपया जो उसने पूरी जिंदगी में कमाया था वो सब का सब भाजपा के नेताओं ने लूट लिया। सिद्धारमैया जी, मैं डीके शिव कुमार जी, टीएन प्रसाद और रामालिंगा रेड्डी जी, सब नेतागण हम उनके घर गए थे। टीएन प्रसाद जी की 37 साल की एक बेवा है, हमारी बहन है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती, उसकी आंख से आंसू ज्यादा गिरते हैं, वो बोलती कम है। टीएन प्रसाद जी की एक 14 साल की बेटी है जो 10वीं क्लास में पढ़ती, वो बोल नहीं पा रही थी, इसलिए नहीं कि उसके मुंह में जबान नहीं है, इसलिए कि वो आज तक ये समझ नहीं पाई कि अब वो पापा या अप्पा किसको कहेगी। टीएन प्रसाद कॉन्ट्रैक्टर के एक 70-75 वर्ष के बूढ़े पिता भी हैं, वो कांपते ज्यादा थे और आपसे बात कम कर पाते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि 75 साल की उम्र में अब वो जिंदा भी क्यों है जब उनका बेटा ही चला गया। बसवराज बोम्मई जी, नलिन कुमार पटेल जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज हम कहते हैं, आपके पैसे की हवस कितने पैसों से खत्म होगी। पूरे बेंगलोर, पूरे कर्नाटक के लोग हम इकट्ठे होकर आपको दे देंगे वो पैसा। आप संतोष पाटिल को उसके पिता और पत्नी को वापस दे दीजिए, टीएन प्रसाद को लौटा दीजिए, राजेंद्र को लौटा दीजिए, हम आपके पैसे की हवस को पूरा कर देंगे। 40% कमीशन के बारे में जानना है तो 40,000 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रूपसा से पूछिए, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कोई प्राइवेट ग्रांट 40% रिश्वत लिए बगैर बीजेपी देती नहीं है। उसके बाद 8 बार प्रधानमंत्री कर्नाटक आए, ना कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब दिया मोदी जी ने, ना रूपसा स्कूल एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब दिया। 40% कमीशन की बात हमने नहीं कही, लिंगायत मठ के जो हमारे स्वामी जी हैं ददक से, दिंगलेश्वर स्वामी जी, उन्होंने टेलीविजन के साथियों के सामने आकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है अगर मठ के लिए भी ग्रांट चाहिए स्वामी जी तो आपको रिश्वत में 10% डिस्काउंट मिलेगा, 30% रिश्वत आपको भी देनी पड़ेगी। बसवराज बोम्मई जी ने कहा हम जांच करवाएंगे। हम आज पूछते हैं कहां गई वो जांच, अब तो 6 महीने बीत गए दिंगलेश्वर स्वामी जी के बयान को, कहां गई वो जांच, कौन जिम्मेवार है, मुख्यमंत्री बता सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने तुमकुर के विधायक के बारे में कहा, ऑडियो रिलीज किया, टेलीविजन ने चलाया, अखबार ने लिखा कि वो 90 लाख रुपया रिश्वत लेते। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, नलिन कुमार कटील जी, येदुरप्पा जी, बसवराज बोम्मई जी, क्या आपने कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की।
कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने यह भी कहा कि उनके पास 8 बीजेपी के मिनिस्टर और 17 बीजेपी के एमएलए के पैसा लेने के, रिश्वत लेने के सबूत हैं। क्या कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल और पुलिस ने, क्या कर्नाटक की सरकार ने पूछा कि कौन है वो मंत्री और विधायक बीजेपी के, हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजेंगे, क्योंकि लगता है पैसे की लूट तो सब बांट रहे हैं। और पिछले 48 घंटे में जो हुआ, पिछले 24 घंटे में हुआ, होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते थे, बसवराज बोम्मई जी कहते थे, सबूत दीजिए, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ी। बसवराज बोम्मई जी, आपने और आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपके विधायकों ने तो चंदन की वो साबुन, मैसूर सैंडल सोप जिसके लिए हम मशहूर हैं, उसकी सुगंध को भी भ्रष्टाचार की दलदल में फेंक दिया है। लानत है आपके ऊपर, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरा मर जाना चाहिए आप लोगों को। 40 लाख रुपए के साथ रंगे हाथों भाजपा के चेयरमैन, उनके विधायक का बेटा उनके कार्यालय में पकड़ा जाता, और भाजपा के लोग कहते हैं बच्चे से गलती हो गई। 1,70,00,000 रुपया उनके कार्यालय से पकड़े जाते हैं और आप कहते हैं गलती हो गई। 6,00,00,000 रुपए के बंडल जो टेलीविजन ने दिखाए, अखबार ने लिखे, उनके घर से कल पकड़े जाते हैं और भाजपा के लोग कहते हैं छोटी सी बात है गलती हो गई। किसका है ये पैसा? ये पैसा उस एमएलए और चेयरमैन का नहीं, ये 6.5 करोड़ कर्नाटका के लोगों का है जो भाजपा के लोग लूट रहे हैं। ये आपका पैसा है, ये कर्नाटक के लोगों का पैसा है। दोस्तों साथियों, जो 20 रुपए की साबुन में सैकड़ों करोड़ रुपया लूट सकते हैं, उन्होंने कर्नाटक के खजाने को कैसे लूट लिया होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा के भ्रष्टाचार की बात केवल हम नहीं कह रहे, केवल अखबार और टेलीविजन नहीं कह रहा, भाजपा के खुद के नेता कह रहे हैं। क्या यह सही नहीं कि यत्नाल जी जो बीजेपी के लीडर है, उन्होंने सामने आकर कहा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री की पोस्ट, सीएम की कुर्सी 2,500 करोड़ में बिकती है। जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, आज हम आपसे पूछते हैं अगर यत्नाल ने झूठ बोला तो आपने उसे बीजेपी से निकाला क्यों नहीं? अगर यत्नाल ने गलत कहा तो आपने उसे बीजेपी से निकाला क्यों नहीं? और अगर उसने सही कहा तो बसवराज बोम्मई बताएं वो कितने 1,000 करोड़ रुपया देकर सीएम की कुर्सी खरीद कर लाए, उन्हें बताना पड़ेगा। और ये पहला बेटा नहीं है, पहला बीजेपी के मंत्रियों का और चेयरमैन का बेटा पहला नहीं है जो पकड़ा गया है। मैं याद करवाऊं, ये प्रांत तो मशहूर रहा है विजेंद्र टैक्स के लिए। बीजेपी के जो पिछले मुख्यमंत्री थे उनके बेटे के नाम से हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टैक्स देना पड़ता था, जिसे विजेंद्र टैक्स के नाम से जाना जाता था। इसलिए बीजेपी की बेटों की रिश्वत की विरासत है एक लंबी, विजेंद्र से लेकर और बीजेपी के एमएलए के बेटे तक। विजेंद्र टैक्स को आज तक लोग भूले नहीं है। और अब एक और उदाहरण आपके सामने आ गया। याद करिए, नंदीश इंस्पेक्टर ने, सर्कल इंस्पेक्टर ने जब आत्महत्या की थी तो बीजेपी के एक नेता ने बताया था कि ये लोग तो 10 20 30 करोड़ रुपया लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग बेचते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं, ये स्कूल की ग्रांट में कमीशन लेते हैं, ये मठों की ग्रांट में कमीशन लेते हैं, ये ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा लेते हैं, ये साबुन बना
तक के अंदर पैसा, और अब तो ये कर्नाटक के नौजवानों के भविष्य को भी बेचते हैं। क्या ये सही नहीं दोस्तों कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट 80 लाख रुपया रिश्वत लेकर पीएसआई की पोस्ट बेची गई, जब 1 लाख नौजवान कर्नाटक के यहां इकट्ठे हुए तो एफआईआर दर्ज हुई। पर आज मैं पूछता हूं, एक डीजीपी तो जेल में है, पर डीजीपी के अलावा पैसा कहां कहां तक गया था? उस समय के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की जांच क्यों नहीं हुई? और उस समय होम मिनिस्टर था कौन? आज के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई उस समय होम मिनिस्टर थे और येदियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर थे। तो येदियुरप्पा जी की, बसवराज बोम्मई जी की, ज्ञानेंद्र जी की, इनकी जांच कौन करेगा? दुर्भाग्य से कर्नाटक में बिल्ली को दूध की रखवाली बना दिया है, वो हमारे बच्चों के भविष्य को तो खाएगी। क्या ये सही नहीं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट बीजेपी ने रिश्वत लेकर बेच डाली? क्या ये सही नहीं कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को बेचने के इल्जाम सामने आए? क्या ये सही नहीं कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट बेचने के इल्जाम सामने आए? क्या ये सही नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की पोस्ट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेचने के इल्जाम सामने आए? छोड़ दीजिए इन सारी पोस्टों को, इन्होंने तो सफाई कर्मचारी की नौकरी भी बेच डाली जो 1 हफ्ता पहले इल्जाम सामने आए। और अब 3 दिन पहले कर्नाटका मिल्क फेडरेशन में जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो सारे बच्चे सामने आए, वो सारे अभ्यर्थी सामने आए और उन्होंने कहा 60-60 लाख रुपया रिश्वत ली जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट्स ये बेच देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स में ये कमीशन खा जाएंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में ये कमीशन खा जाएंगे, स्कूल की ग्रांट में ये कमीशन खा जाएंगे, मठों की ग्रांट के अंदर ये कमीशन खा जाएंगे, नौकरियों के अंदर ये कमीशन खा जाएंगे, ये तो पूरे कर्नाटक को बेच डालेंगे। दोस्तों साथियों, आज एक संकल्प लेने का दिन आया है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से मुक्ति लेने का समय आ गया है, भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है, पाप के इस घड़े को फोड़ने का समय आया है। कर्नाटक के लोगों को वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। हमारे विधायक साथी यहां सब बैठे हैं, पूरे मंत्रीगण हैं, हमारे सांसद यहां बैठे हैं, सीएलपी के नेता यहां बैठे हैं। आज हम इस बात का संकल्प लेते, केवल सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदल जाएगी, सरकार को 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटका के लोग बदलेंगे ही। आज हम ये संकल्प भी लेते हम सबकी ओर से कि इनके एक एक भ्रष्टाचार की हम जांच करवाएंगे और जो दोषी पाया उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये समझे के सत्ता से बाहर गए तो बच जाएंगे, कोई समझे के किसी कांग्रेस के नेता से दोस्ती है तो सहारा ले लेंगे, ये नहीं होने वाला साथियों। दोषी चाहे मुख्यमंत्री हो, दोषी चाहे मंत्री हो, दोषी चाहे बीजेपी के विधायक हो, एक एक की जांच होगी, कमीशन बिठाया जाएगा, एफआईआर दर्ज होगी, करप्शन एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा और जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजा जाएगा। क्योंकि कर्नाटक के युवाओं के भविष्य को आप खा नहीं सकते, केवल व्यवस्था सरकार नहीं बदलनी, हमें व्यवस्था भी बदलनी है। और आज भ्रष्टाचार के खात्मे का ये संकल्प लेकर हम चले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद, और हमारा ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हम मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी और उनकी पूरी सरकार को बर्खास्त नहीं करवा देते। और अब मैं अनुरोध करूंगा सीएलपी लीडर, हमारे पूरे मुख्यमंत्री,
सिद्धारमैया जी से कि वो आएंगे, अपनी बात कहेंगे, जब उनकी बात पूरी हो जाएगी तो हम मुख्यमंत्री के निवास की ओर सब चलेंगे, एक भी साथी रुके ना, सबके सब चलेंगे और तब तक चलेंगे।